सर सामने सर सर राइट साइड सर यहाँ कौन है और कौन है बॉडी चार बार करेंगे क्या चार बार अरे रे सीजन मीटिंग सॉरी हमने जात ना मतलब प्रमोशन झाले लोग की हाइट कम है थोड़ा 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 एक ग्रुप फोटो लाइट अच्छा सर ये वैसे लाइट अच्छा है पतली भी आई है ना नहीं आई हल्का जी हल्का जी करो पतली मैडम टिकड़े हैं आओ एकदम सेंटर में सोलो फोटो के लिए अंदर गई हमेशा से ये रहता है सब फोटो वाला अकेला ही चाहिए तुम मैम या मैम नाउ सर योर लेफ्ट साइड सर सर एकदम सामने सर एक स्टेप आगे आ जाओ ना गमला गमला गमले के आगे आ जाओ हां अपन मागे चला जा साइड थोड़ा 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 मागे थोड़ा आता इथे पण अरे मागे थोड़ा अपन मागे जा थोड़ा मागे आ चला नाही मॅडम आपण बरोबर आहोत झालं रे राजा झालं झालं थँक्यू थँक्यू सर जी आहे की नाही तो फोटो आगे मोनी थँक यू मॅडम 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 चलो भाई मंदी क्या बात है बेबी डायमंड से लोन अंदर क्लास सर इसे आया सामने सर सर इसे थोड़ा डाउन लेफ्ट साइड ना सही आ सामने तो फायदा क्या है छपने वाली है जो सुबीराम रेड्डी होगा वही छपने वाली है पंडी पंडी ना पंडी हां पंडी तो बोला दे मैं मैचिंग थैंक यू हेलो मैडम इकड़े एकदा सेंटरला मैडम इकड़े मैडम इकड़े इकड़े नहीं
8th in Marriott Hotel. Of course, as it is, unless some issue comes, we may change the actual date. As it is, February 16th is finalized date tentatively to have this program. And the Governor of Maharashtra, Sri Vidya Sagar Rao, will be the chief guest, will be giving award. And various distinguished stars like Mr. Shah Rukh Khan, Amir Khan, and Rekha, and Sridevi ji, all various people, various distinguished stars will participate in the function. And this is the 5th year award going to, first year gone to Ratha ji, again this time going to another legendary award to her, Asha Bhonsle. In between, 3 stars were given. So this is how we have decided. And also we must accept that Asha Bhonsle sang more than 30,000 songs in various languages, and she is a pride personality of the Indians, Indian music lovers, and also in so many films she has given a phenomenal music. So we are very happy to announce anonymously the award to be given to Asha Bhonsle. It's called, once again I will repeat, Yash Chopra National Memorial Award, carrying 10 lakhs and golden bangle, Swarna Kankan. Thank you to all. Now, I request Ms. Boney Kapoor to speak. What more can I speak? He's spoken every... jury, and a little
चलिए साइलेंस साइलेंस शांति रेडी एक मिनट आराम से पीछे जाओ थोड़ा सा पीछे जाओ थोड़ा पीछे जाओ बस हाँ चलो गुड इवनिंग मधुर आप इससे पहली बार जुड़ रहे हैं हाँ ये पहली बार जुड़ा सुबीरामी रेड्डी जी के साथ काफ़ी मेरे अच्छे संबंध है काफ़ी सालों से उनको जानता हूँ हालांकि मुझे याद है कि पिछले दो साल पहले उन्होंने मुझे भी अवार्ड दिया था जहाँ पे उनका हैदराबाद का एक अलग अवार्ड फंक्शन होता है और इस बात की खुशी है कि यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड से मैं जुड़ा हूँ और मैं जूरी में हूँ बोनी जी हनी रानी जी अलका जी पद्मिनी जी सब के साथ हम लोगों ने निर्णय लिया और आशा जी का नाम ये हुआ कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए वो पद्म विभूषण है दादा साहब फाल्के अवार्ड ही है वो और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक उनके लिए और एक अचीवमेंट है कि यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड उनको दिया जा रहा है कौन प्रेजेंट करेगा उनको ये अवार्ड ये मेरे ख्याल से उस दिन वो 16 को डिसाइड होगा कि कौन ये करेगा जूरी फिर बैठेंगे इसके ऊपर और डिसाइड होगा क्योंकि अगले महीने हैं वो तो अगले महीने डिसीजन होगा और मुझे बात की खुशी है कि मैं आई एम पार्ट ऑफ दिस जूरी आशा जी के साथ मतलब आप लोग ने साथ में कभी काफ़ी काम किया मैंने कॉर्पोरेट सत्ता काफ़ी प्रेस्त्री तीन पिक्चर में उनके साथ काम किया है और मैंने उनसे बात हुई जब हमने डिसीजन लेने के बाद मैंने आशा जी को फ़ोन किया और मैंने कहा दीदी के ताई बोला मैंने उनको ताई ये अवार्ड आपको जा रहा है तो बड़ी खुशी हुआ बोला थैंक यू मधुर एंड शी वॉज वेरी हैप्पी आई थिंक मेरे ख्याल से उनको इतना ऑनर मिल चुका है मेरे ख्याल से लेकिन शी वॉज वेरी हैप्पी मेरे ख्याल से आशा जी आज भी मैं देखता हूँ वो इवेंट्स करती है इतने जगह जाती है अलग अलग शहरों में तो मेरे ख्याल से उनकी एनर्जी कमाल की है और जब भी मिलते हैं तो बहुत अच्छा उनके साथ एक संबंध रहा है इतने सालों से पूरे मंगेशकर फैमिली से आशा जी को देखते हैं आपके मन में कौन सा गाना याद आता है सबसे पहले देखा जाता है बहुत गाने हैं आशा जी के एक गाने मैं बोलूँ क्या कहीं ऐसे गाने हैं जो आशा जी के मेरे ख्याल से हर गाना जो मेरे ख्याल से उनका इतना कमाल का गाना है तो अलग अलग टाइप के आशा जी ने गाना गाया तो एक गाना बड़ा मुश्किल है आशा जी के बारे में बोलना कि आशा जी लता दीदी मेरे लिए लाइक बहुत ही जो आदर है जो उनके लिए प्यार हमेशा रहा है मेरे सामने मंगेशकर फैमिली के साथ मेरे अच्छे संबंध है अच्छे रिलेशन है हमेशा उनको मिलता मैं बीच में लता दीदी को भी जाके घर पर मिल के आया था पिछले 3-4 महीने पहले की बात है पद्मावत रिलीज हो गई है हाँ फिर भी अभी अनरेस्ट चल रहा है नहीं मेरे ख्याल से इस बात की खुशी हुई मुझे कि पद्मावत रिलीज़ हुई है और कहीं सरकारों ने कहीं स्टेट में बड़ी सख्ती से काम लिया है और सब लोग जितने भी जो इसके ऊपर एजिटेशन कर रहे थे उनको जेल में डाला है और उन पर काबू किया है मुझे बात की खुशी हुई कलेक्शन भी मैंने आज मैंने देखे ट्विटर पे कि अच्छे कलेक्शन हुए तो मैं बधाई दूंगा पूरे टीम को पद्मावत के दीपिका को रणवीर सिंह को शाहिद को संजय को सब लोग को मैंने हमेशा उनकी पिक्चर के लिए खड़ा रहा हो हमेशा चाहे वो इससे पहले दिल मुश्किल हो या उड़ता पंजाब हो या पद्मावत हो और मुझे इस बात की खुशी जैसे मैंने पहले ही कहा था कि एक बार पिक्चर सेंसर हो जाए और खासकर की पिक्चर तो सुप्रीम कोर्ट में भी गई है सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है तो पिक्चर रिलीज़ होना चाहिए और मेरे बात की खुशी है कि इतना मेहनत एक फिल्म मेकर करता है इतने स्टार्स इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है पिक्चर को लेकर और मेरी बात की खुशी होती है कि पिक्चर अल्टीमेटली लोगों को पसंद आ रही है और लोग थिएटर में जा रहे हैं तो मैं बड़ी टीम को बधाई दूंगा कि इस तरह से उनकी जो मेहनत है सफल हुई है पर आपको भी सर आपकी फिल्म को भी सपोर्ट करना चाहिए लोगों मेरी पिक्चर को देखिए मेरी पिक्चर को सपोर्ट नहीं किया तो मैं ये तो कभी बोल नहीं सकता ना कि मेरी पिक्चर को सपोर्ट नहीं किया मैं ये बात सही है कि हिंदू सरकार के टाइम पे कोई भी जैसे हम कहते हैं लिबरल मीडिया की हम बात करें या कहीं ऐसे लोग फिल्म फेटर्निटी से भी लोग नहीं आए मेरे खुद के फिल्म इंडस्ट्री वाले भी कोई नहीं आया लेकिन अगर मैं कहूँगा कि मेरे लिए कोई नहीं आया तो मैं किसी और के लिए खड़ा ना हो तो ये गलत होगा कि वो ठीक है उनकी मजबूरी होगी लेकिन मेरे ख्याल से ये होता है अक्सर होता है फिल्म लाइन में लोग डरते हैं स्टैंड लेने से पोजीशन लेने से
लेकिन मेरे ख्याल से मैंने हमेशा अपनी बातें, जैसे मेरी फिल्में बेबाकी से मैंने रखता हूँ, मैं फिल्में बातें भी वैसी बेबाकी से रखता हूँ, तो मैं मुझे कई लोगों ने ट्रोल भी किया, ये भी किया, लेकिन वो ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से मैंने एज अ फिल्म मेकर, मुझे लगा क्रिएटिव फ्रीडम होना चाहिए, और ख़ास करके जब एक फिल्म जो सेंसर पास हुई है उसके बाद उसको रिलीज़ होना चाहिए। सीधा डिसाइड हुआ, यूनानिमसली सबने आशा भोसले जी का नाम डिसाइड किया, और इसमें कोई देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट, नो डिस्कशन, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, और यही था कि यूनानिमसली डिसाइड हुआ। हम लोग को थोड़ा टाइम लगा नीचे आने में, बिकॉज वी हैड टू ऑब्वियसली अनाउंस इट टू आशा जी, उनको पकड़ में लाना थोड़ा मुश्किल था, बट उनको बताया कि उनको ये अवार्ड मिल रहा है, तो वो बहुत खुश थी, तो इट वॉज यूनानिमसली डिसाइड। कैसे अलग मानती है इस अवार्ड को, यश जी का नाम जुड़ा हुआ है, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन जी बाकी अवार्डों से किस तरह से अलग मानती है बिना ज्यूरी मेंबर? देखिए, इसमें बहुत वेटेज है, बिकॉज जैसा आपने कहा, यश जी का नाम जुड़ा है, और सुबीरामी रेड्डी भी इस अवार्ड से जुड़े हैं, और जो रेसिपिएंट्स हो चुके हैं वो ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू यू नो बी द रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड, तो ये बहुत बढ़िया बात है। और ये ऐसा है कि एक ही अवार्ड दिया जाता है, नॉर्मली क्या होता है, अवार्ड्स होते हैं दो लोगों को, तीन लोगों को, कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों को मिलता है, बट ये इस अवार्ड की ये एक खासियत है कि एक ही इसके रेसिपिएंट हैं, तो ये एक अपने आप में एक खास बात है। कौन प्रेजेंट करेगा इस अवार्ड को? अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज जो प्रेजेंट करेंगे। एंड योर सन इज सपोज्ड टू मेक अ डेब्यू? यस, ही इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ डेब्यू सून, माय सन। बट क्या होगा, कुछ थोड़ा बताइए ना उसके बारे में। कभी और बात करें इसके बारे में, बिकॉज ये यश जी के अवार्ड के बारे में है, तो यस, प्रियांक अपने आप में रेडी हो रहा है, पूरी उसकी पूरी वो तैयार है, बट ये तैयारी तो जारी रहेगी उसकी, और हम उसे बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं। नॉट हम, ही इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड सून, बस यही है। बाकी एडवाइस जो आपने उनको दी हो? एडवाइस तो हमारी चलती रहती है, बिकॉज जाहिर सी बात है वो घर में होता है, तो हर एक बात में उसे एडवाइस और उससे हम बात करते रहते हैं। आई हैवन थॉट अबाउट इट, आई गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन ऑन माई प्लेट, तो अभी मैं काफ़ी बिजी हूँ, और आप देख रहे हैं कि मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ भागने की, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। यस यस, लेट मी फर्स्ट इन्फॉर्म यू ब्रीफली, आई एम टी सुब्बा राम रेड्डी, senior member of parliament and film producer, and myself and Yash Chopra ji, we both produced several films as partners, and the famous films were Chandni Lamhe, we both jointly produced the films, and myself and Yash ji were very close friends, great friends. So when he untimely passed away as his personal friend and also partner of the Chandni Lamhe films, I got the foundation, Subram Reddy Foundation. Foundation तरफ से हम ये perpetual award create किया, यश चोपड़ा नेशनल मेमोरियल अवार्ड। उसका आलोचना क्या है, वंस यू इंस्टीट्यूट एन अवार्ड, इट विल perpetuate his memory। हर साल में उनको तारीफ करने वाले इतने लोग हैं पर सारे हिंदुस्तान में, लेकिन एक बार ये ग्रेट पर्सनालिटी लेजेंडरी ये दुनिया छोड़ने के बाद लोग अब भूलता है, लेकिन ऐसे अवार्ड दिए तो हर साल में एक बार, लेकिन सारे दुनिया में, सारे हिंदुस्तान में और देश में भी, यश जी की इतना बड़ा फिल्म मेकर का अवार्ड और दूसरा बड़ा महान आर्टिस्ट को दे रहा है बोल के एक बार याद आता है, तो इट विल हेल्प टू परपेचुएट दिस थिंग। विद दैट आइडिया 5 साल के पीछे माई ये अवार्ड 10 लाख कैरिंग कैश अवार्ड और स्वर्ण कंकन, गोल्डन बैंगल वैसे बोलते हैं, स्वर्ण कंकन बोलता है वो, तो दोनों देना है, सर्टिफिकेशन देना बोल के डिसाइड किया। तो पहले साल में लता मंगेशकर जी को ये अवार्ड दिया है, जब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और चीफ गेस्ट दिया है। सेकेंड ईयर में आई फॉर्म्ड द जूरी, यूनानिमसली डिसाइडेड मिस्टर अमिताभ बच्चन, एंड वी आर गिवन अवार्ड टू हिम।
at that time, the Governor of Maharashtra and other very distinguished guests came. The third year, I have formed a jury, and the jury unanimously declared award to Ms. Rekha. So Rekha was given the award in a glittering function. Again, last year, again our jury unanimously decided to give to Mr. Shah Rukh Khan. Award was given in a glittering function. So this year again, I formed a jury and all distinguished jury members, Boney Kapoor and Madhur Bhandarkar director and Hani Irani and Alka Agni, Padmini Kalampur, Anuranjan, Sashi Ranjan, all these distinguished people, I invited them as jury members. Then today we have sat and unanimously, and Pam Chopra. Pam Chopra was supposed to come. She was also a main pillar, but today she was little not well, therefore she could not come. And she gave her message also. Actually this time, first time we gave to the singer, playback singer, then we gave to artist. This time again we gave to singer. Again, next time we'll be giving to the award to the again artist star. This is the what the jury decided. So originally, actually, though we wanted to give a award to the again film artist this year, jury said, why not we give to singer? A singer. So therefore, we changed the mind. We changed the mind and decided singer this time. So next time again, when I form a jury again, when we sit, then we'll decide about next year. So this is how they happened actually. So now after the jury decision to Ashaji, I spoke to her and Boney Kapoor also, I made a talk. We both spoke to her personally and she was very happy. She accepted us to receive the award. So tentatively, February 16th, we are to have in Marriott Hotel this function. However, if suppose any date clash comes, it may change. But as it is there. And the Governor of Maharashtra, Sri Vidyasagaravati, will be the chief guest to give the award to Arshad. Then distinguished various film artists, Mr. Shah Rukh Khan, Amir Khan, Rekha, Sri Devi, Jay Prada, number of artists, Prinit Chopra, they all will be participating in the function. Thank you so much. Thank you, sir. My association with Ashaji has been from childhood. She sang songs for my father's films. She sang songs for my film. And then I've done a reality show with her, Surkshetra. And besides that, we've always had a very, very good relationship. In fact, both Lataji and Ashaji and the entire Mangeshkar family, we hold them in reverence. And the relationship has been great. Really befitting that she has been awarded this award. Correct. And I couldn't have been happier. Do you think the music industry today misses a legend like Asha Bhosle? Surely it does. And what do you think about the state of affairs of music per se in today's times as compared to those golden era? Well, today's music is for today's times. And golden era music was for the golden era. See, I'm no authority on this, but at the same time, every era has its own likes and dislikes. And since you've heard the earlier music, obviously it remains in you. If you ask any youngster, they perhaps won't even recall those songs. Balki main jab ghar mein fursat baithta hu to main masti channel ya purane jis channel pe gaane aate hain main dekhta hu kyunki mujhe apne bachpan ke din yaad aate hain, apne jawani ke din yaad aate hain. हर वो दिन याद आते, हर मतलब तीसरी मंदिर ले लो, प्रोफेसर ले लो, आराधना ले लो, हर दौर, हर इरा, हर क्लास मेरा मुझे याद आता है. मैं जब फिफ्थ में था तो ये गाना मेरा फेवरेट था, जब मैं टेंथ में था मेरा ये गाना फेवरेट था, जब मैं कॉलेज में था तो मेरा ये गाना फेवरेट था, जब मैं मैच्योर हो तो ये गाना, मेरा जब पहला किसी से लफड़ा हो तो ये गाना मेरे को अच्छा लगता था. तो ऐसे हर गाने के साथ एक एसोसिएशन है. श्री जी का सबसे पहला गाना कौन सा अच्छा लगा था आपको? मुझे श्री जी के हर गाने अच्छे लगे. मतलब बिसॉर्टेड बाय हर अपीयरेंस, बिसॉर्टेड बाय हर एक्टिंग, बिसॉर्टेड बाय हर बीइंग देयर. एंड व्हाट आर द सॉन्ग व्हिच यू सिंग फॉर हर? एनी सॉन्ग?
मैं इतना बेजोरों में गा नहीं सकता, मैं सिर्फ अकेले में गाती हूं, मैं सिर्फ सुनाता हूं उनको, और जो मेरा फेवरेट गाना जो उनको मैं सुनाता हूं, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, गाना फ्रॉम ब्लैकमेल, मैं आई डोंट वांट टू स्पॉइल द सॉन्ग. Well, they listen to all kinds of music, today's music, and at the same time, fortunate they listen to old music too. Okay. So, but are they more into the Western music? Yeah, they are into Western and they are into Indian too, luckily. Any of your friends' song that they like? There are many. You see, if I say all those things, I'll sound biased. This is something you should be asking others about my films. आशा जी का सबसे फेवरेट गाना कौन सा है आपका? मेरा खलास फ्रॉम माय फिल्म कंपनी. एंड योर प्लान्स फॉर द कमिंग 2018 एनी प्रोजेक्ट जो आपने कुछ सोच लिया है? कई प्रोजेक्ट सोचे हैं पर सब डेवलपमेंट स्टेज में हैं. सर व्हाट इज द सीन विद नो एंट्री, स्टेटस ऑफ नो एंट्री? इट विल बी मेड सूनर और लेटर. इट हैज ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड राइट? इट इज बीइंग अनाउंस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट इट विल बी मेड सूनर देन लेटर. इज अर्जुन एंड रणवीर फाइनल? I don't want to comment on the star cast, but it will be made. I don't want to comment on any of the actors in it, but it will be made. Okay? Sir, a word on Dhadak as well. How is it shaping up? You know, there is a well, Dhadak, I'm sure is shaping up very well. I see the stills, the pictures. I was in Udaipur for a day while she was shooting. She has played the song that she's picturizing. Now it's sounds absolutely fantastic. Do you see shades of Shri Ma'am in her, or how do you look at her in terms of acting? Well, it's obvious I see, no, she's an individual, she has her own, you see, fortunately, she is not trying to be her mother, she is trying to be herself, which is very good. See, there is no point aping somebody who's already been there. You know, Shri has been an iconic figure, and more so being a daughter, why should she ape her? If she's got to make a mark, she should be an individual and she should do things which would create her own identity. And I'm sure she's sensible, intelligent, and she knows that. And as I see from her hard work, the way she's possessed about her work, the kind of sincerity that she has, she will create a niche for herself. Do you think when this starts out with having such legendary father figure and mother figure like you and Shri Ma'am, is there added pressure on their shoulders while debuting? How do you look at it, sir? Well, you see, pressure is there if you take pressure. Okay. Aren't we diverting from the award we are going to? Sir, yeah, it's a bad thing. As a new order. As a new order. Last question. Last. Sir, do you feel bothered by the paparazzi and the lots of photographers which follow your... I don't. In fact, I miss it when they are not around. As a father also, I'm asking you because she is starting. Well, you see, this is something which you've got to get used to in today's times. And I'm sure she's coping up with it. Okay? Thank you so much, sir. Thank you.